जिला देवास खातेगांव में भारतीय देशी नस्ल के गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा गोपाल पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग देवास के उप संचालक डॉक्टर जीडी वर्मा के निर्देशन में विकासखंड स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर महेश सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पशु चिकित्सालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश कुंडल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी ने की। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि अनिल यादव व पार्षद नितिन विश्नोई ने गौ माता का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोपाल पुरस्कार वितरण में अतिथियों द्वारा विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। गौवंश की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राजेश गुर्जर सवासरा, द्वितीय पुरस्कार दीपक जाट काजीपुरा, तृतीय पुरस्कार नयन राजेश गुर्जर सवासरा को दिया गया। वहीं भैंस वंशीय ने प्रथम पुरस्कार जितेंद्र सारंग कुंड गांव, द्वितीय पुरस्कार बद्री प्रसाद कामकुम गाँव खुर्द तथा तृतीय पुरस्कार दिनेश गुर्जर भट्टासा को दिया गया।